नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी सा एक रेसिपी है जिसका नाम है चापटी। जी हाँ, इसे बंगाली में चापटी कहा जाता है, कई कई लोग इसे गोला रोटी भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि चापटी किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक बोल में एक कटोरी मैंने यहाँ पर आटा लिया है। आप मैदे के साथ भी बना सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पर आटे के साथ बनाया है। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड किए हैं। और चॉप किया हुआ प्याज, एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज यहाँ पर मैंने ऐड किया है। और नमक जो है वो स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम नमक जो है रखिएगा, फिर थोड़ा सा टेस्ट करके देख के फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले बार में ही नमक बहुत ज़्यादा मत दे दीजिएगा, नहीं तो आप खा नहीं पाएंगे इसको। उसके बाद हम इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारे जो मसाले हैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं लगता है, बस इतना ही मसाला हम इसमें ऐड करते हैं। अगर आपको धनिया पत्ती पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो धनिया पत्ती, और हरी मिर्च चॉप किया हुआ हरी मिर्च भी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। एक बार में पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पतला हमको नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम इसको बनाएंगे, मीडियम रखेंगे। वो मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से हमें इसे रेडी करना होगा। ये ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम और थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन गरम कर लेंगे। चापटी को बनाने के लिए हम रिफाइंड तेल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सरसों का तेल इसमें यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो तेल आपको अच्छा लगता है यहाँ पर, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। आपको जो तेल यहाँ पर पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करूँगी। जैसे ये थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद हम तेल ऐड नहीं करेंगे। फर्स्ट जब हम इसको बनाएंगे इसमें हम अभी तेल ऐड नहीं करना है। पैन को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में हम इसे गर्म कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठंडा, अगर कढ़ाई ठंडा रहेगा तो ये चिपक जाएगा। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देना है, उसके बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से डाल लेंगे। डाल के इसे चम्मच के सहारे अच्छे तरीके से फैला देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे हम डोसे को फैला देते हैं चारों तरफ से, बस उसी तरीके से हमें इसे भी थोड़ा सा फैला देना है। बस इसी तरीके से हमें फैला देना है और इसे मीडियम फ्लेम रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत हाई फ्लेम में इसे रखना है। इसे मीडियम फ्लेम में ही पकने देना है, तो हम इसे मीडियम फ्लेम में अब छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए बस हम एक तरफ इसको पकने के लिए देंगे, अभी ऑयल नहीं डालना है। जब ये एक तरफ से पक जाएगा फिर हम इसको पलटा देंगे, दूसरे तरफ देंगे, उसके बाद ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, अभी ऑयल नहीं देना है। देखिए अब ये मैं दूसरे तरफ से इसे सेक लूंगी, एक तरफ से ये सिक चुका है। ये देखिए एक तरफ से जो है वो सिक चुका है, अब मैं इसे दूसरे तरफ से ही इसी तरीके से सेक लूंगी। जैसे ये थोड़ा सा सिक जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही सिंपल दिखती है लेकिन बहुत ही टेस्टी है खाने में। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी ज़्यादा ज़्यादा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक तरफ से सिक चुका है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसी तरीके से दूसरे तरफ भी सेक लेंगे। और एक बात मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है तो सिर्फ आपने जो ऑयल ऐड किया है पहले ही, बस उसी ऑयल में ही दोनों तरफ से सेक लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो, उसमें भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये जो है वो दोनों तरफ से सिक चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये जो चापटी है ये बहुत बढ़िया तरीके से बना है। आप बनाइए और इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। आज के लिए बस यही तक, नमस्ते।